बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों फाइनली कनाडा IRCC की तरफ से दिसंबर से लेके जनवरी की जो बैकलॉग की रिपोर्ट है उसे पब्लिश कर दिया गया है। अब इस रिपोर्ट से हमें पता ये चलता है कि इस टाइम के ऊपर कनाडा IRCC किन किन कैटेगरीज पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में कौन कौन लोग अपने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस बार जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके अंदर ज़्यादातर नंबर माइनस किए गए हैं। मतलब जब भी हम प्रीवियस रिपोर्ट देखते थे कनाडा IRCC की, उसमें सिर्फ 2 से 3 कैटेगरी पर ज़्यादा फोकस किया होता था और बाकी कैटेगरीज के नंबर इंक्रीज हो रहे होते थे। लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट है दोस्तों, उसके अंदर 99% जो हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, सब में नंबर माइनस ही हुए हैं, किसी में भी प्लस नहीं हुए। जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनाडा IRCC की परफॉर्मेंस जो थी दिसंबर से लेके जनवरी की स्टार्टिंग तक, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था या प्लीज नीचे बटन होगा उसको दबा दो, उनको दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा 100 नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि कनाडा IRCC ने जनवरी से लेके दिसंबर की जो बैकलॉग की रिपोर्ट है उसे पब्लिश कर दिया है। इस टाइम पे जो करंटली बैकलॉग है दोस्तों, वो 2.1 मिलियन का हो चुका है। पहले 2.2 का था, अब 2.1 का हो चुका है। सेकेंडली दोस्तों, कनाडा IRCC ने इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी चीज़ मेंशन की है कि आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर ये नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। मतलब इस टाइम के ऊपर कनाडा IRCC ने 110,000 जो हैं वो बैकलॉग के अंदर से एप्लीकेशंस कम की है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बड़े नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा चलते हैं इनकी रिपोर्ट की तरफ दोस्तों। तो इस टाइम के ऊपर जो जनवरी के अंदर बैकलॉग है वो 2.1 मिलियन का हो चुका है। दिसंबर में 2.2 मिलियन का था, नवंबर में 2.4 मिलियन का था, सितंबर में 2.6 मिलियन का था। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि दिन ब दिन नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बड़े नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट की तरफ। इस मंथ की जो रिपोर्ट है दोस्तों सिटीजनशिप वालों की, उसकी जो इन्वेंट्री है वो 3 लाख की हो चुकी है। और अगर हम बात करें दोस्तों नवंबर की, तो वो 3,14,000 की थी। मतलब 14,000 वीजास इशू किए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों परमानेंट रेजिडेंसी की इन्वेंट्री की, तो 5,21,000 की इन्वेंट्री थी जो कि अब 5,12,000 की हो चुकी है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों टेम्परेरी रेजिडेंस की इन्वेंट्री की, जो कि हमारी फेवरेट है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसी कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, लाइक विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट। तो इनकी जो कैटेगरी है दोस्तों, इस वक्त इनकी जो इन्वेंट्री है वो 1.3 मिलियन की हो चुकी है, जो कि पहले 1.4 मिलियन की थी। तो आप खुद देख सकते हो दोस्तों कि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों टोटल कैटेगरी की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि टेम्परेरी रेजिडेंस की जो कैटेगरी है उसमें 5,21,000 एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग हैं। टेम्परेरी रेजिडेंस की जो कैटेगरी है उसमें 1.3 मिलियन की एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं और सिटीजनशिप के अंदर 3,01,000 की एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो टोटल जो है वो 2.1 मिलियन की एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी पेंडिंग है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एक्सप्रेस एंट्री की, तो एक्सप्रेस एंट्री का आपको खुद पता है कि नेक्स्ट मंथ से ड्रॉ इस वक्त होल्ड पे आ चुका है। तो अभी भी दोस्तों कनाडा IRCC की लेटेस्ट अपडेट आई है जिसके अंदर कनाडा IRCC ने फिर से एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ जो है वो इस मंथ होल्ड कर लिया है, जिसकी वजह से आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो पहले जो नंबर थे वो 43,000 थे और अब जो है वो 48,000 हो चुके हैं, क्योंकि ड्रॉ कंडक्ट नहीं हो रहे जिसकी वजह से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें PNP की, तो PNP के भी नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों फैमिली क्लास वालों के अंदर, तो फैमिली क्लास की जो पहले की इन्वेंट्री थी वो थी 1,27,000 की, जो कि अब 1,25,000 की हो चुकी है। मतलब इसमें भी नंबर डिक्रीज हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे स्पाउस एंड पार्टनर स्पॉन्सरशिप की, इसके जो पहले के नंबर्स थे वो 62,000 थे जो कि अब 61,000 हो चुके हैं। मतलब 1,400 से ज़्यादा एप्लीकेशंस को कनाडा IRCC ने प्रोसेस किया है। उसके बाद बात करेंगे पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट प्रोग्राम की, तो पहले जो नंबर थे वो 53,000 थे और अब जो है वो 52,000 के करीब आ चुका है। मतलब 500 समथिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस की गई है।
तो दोस्तों इसी तरीके से कनाडा IRCC ने बताया है कि हमने लास्ट मंथ से लेके इस मंथ जो है वो काफी ज्यादा काम किया है और 1,10,000 एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया है और आने वाले दिनों में इससे बड़े नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी रिपोर्ट कनाडा IRCC की। जितने भी लोग बैकलॉग के इसमें इंतजार कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हो दोस्तों कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा की जो एप्लीकेशंस हैं उस पर वाकई ही बड़ी तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए बैठोगे तो 1,00,000 से ज्यादा जो एप्लीकेशंस हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा के अंदर ही प्रोसेस की गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में जैसे कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी बताया था कि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर तक जो है वो 50% बैकलॉग कम हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ऐसा ही होगा। बाकी एक्सप्रेस एंट्री की बहुत बड़ी अपडेट आई है कि एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉप फिर से होल्ड कर लिया गया है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।